मरने के बाद रूहें कहाँ जाती हैं क़ब्र में रहती हैं या इनका कोई और ठिकाना है जब इंसान का इंतकाल हो जाता है और जैसे ही इंतकाल हुआ उसके बाद जो रूह जाती है उसका अलग ठिकाना है और जब क़ब्र में बंदे को रख दिया जाता है उसके बाद रूह कहाँ रहती है उसके भी अलग मक़ाम आते हैं पहली चीज़ तो यह है कि इंतकाल के फ़ौर बाद जैसे ही हज़रत मौत इसराइल सलाम बंदे की रूह को निकालते हैं ना तो रूहों के फिर दो मक़ाम हैं एक का नाम है इली जीन वमा अदरा कम किताब मरकूम अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें क्या मालूम क्या है वो लिखा हुआ है दफ्तर है और दूसरा ठिकाना है जिसको अल्लाह फरमा रहा है वमा अदरा कमा जी तुम्हें क्या मालूम क्या, 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 क्या है किताब मरहूम वो लिखा हुआ है दफ्तर है तो ये दो मकाम आते हैं है नेक बंदों का ठिकाना है रूहें रहती हैं सिंह जो है वो गुनाहगारों की रूह उसमें जाती हैं जीन के माने ही कैद खाना जेल खाना तो जो नेक बंदा होता है उसकी रूह तो जा, इल्ली जीन में चली जाती है और जो गुनाहगार बंदा होता है उसकी रूह से जीन में कैद कर दी जाती है कब तक के लिए उस वक्त तक के लिए जब तक बंदा को नहलाया जा रहा है कफन पहनाया जा रहा है उसके जनाजे को उठाया जा रहा है लोग लेकर चल रहे हैं तो नेक बंदा तो ये कहता है कि मुझे जल्दी लेकर चलो मुझे असली ठिकाने तक कब्र तक मुझे पहुंचा दो क्योंकि वो उसके लिए सज कब्र जो होती है सज चुकी होती है सज धज के तैयार होती है उसके मंतजिर होती है कि अब जल्दी हमारे पास वो बंदा है और जब ये नेक इंसान को क़ब्र में रखा जाता है तो कब्र खुश होकर कहती है मुबारकबाद पेश करती है कि तेरा आना मुबारक हो जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उनमें सबसे ज़्यादा तू मुझे महबूब था आज तू मेरे हवाले किया गया है तो मेरा ख़ूबसूरत जो किरदार तेरे साथ होगा आज मेरा मामला भी तू देखेगा तो फिर वो उसके लिए हद निगाह उसकी खबर कुशादा कर दी जाती है जहां तक उस इंसान नेक मरहूम की रू निगाह पहुंचती है वहाँ तक उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है गुनाहगार बंदे से कब्र कहती है गुनाहगार बंदा कहता है मुझे कहाँ लेकर जा रहो अंधेरी कब्र में मुझे मत लेकर जाओ मेरा ये मकान है मुझे मत लेकर जाओ बहरहाल उसको जब उस कब्र में रख दिया जाता है तो उसकी कब्र कहती है कि तेरा आना ना मुबारक हो बहुत बुरा हुआ जो तू मेरे हवाले किया गया अब जब जब तू मेरे पास आया ही है तो मेरा मामला भी देखेगा फिर कब्र ऐसे दब आती है आख ने फरमाया कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं आप सलील तल वसल्लम ने उंगलियों में उंगलियाँ डाल कर बताया कि इस तरह आपस में जो पसलियाँ होती हैं एक दूसरे में घुस जाया करती हैं तो जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है तो उसकी रूह को उसके जिस्म के अंदर वापस कर दिया जाता है उसकी रूह को लौटा दिया जाता है उसके जिस्म के अंदर जैसे ही लोग मट्टी उट्टी दे के हटते हैं थोड़ी देर में उसकी रूह को उसके जिस्म के अंदर लौटा दिया जाता है और उसको कब्र के अंदर जिंदा बैठा दिया जाता है फिर उससे सवाल पूछे जाते हैं मन का रब कौन है तुम्हारा माँ दी का दीन क्या है तुम्हारा माँ गुंता तकोलफ़ी शान हाजिर रजुल हज़ूर सलील वसलम के बारे में सवाल किया जाता है कि इनकी शान के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा था जब तुम दुनिया के अंदर थे इनकी शान के बारे में क्या कहा करते थे तो ये जो सवाल होंगे ना तो जाहिर सी बात है जब कब्र में सवाल हो रहे हैं तो फरिश फरिश्ते कब्र में आ रहे हैं तो उसकी रूह को उसके जिसमें वापस कर दिया जाता है हाँ चाहे इंसान मरने के बाद उसकी लाश को जला दिया जाए नदी में बहा दिया जाए या उसकी लाश का पता भी ना चले या कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए उसकी रूह का ताल्लुक उसके जिस्म के साथ जरूर होता है उसकी आलम बरज़ जो है ना कब्र ही आलम बरज़ है और मरने वाला बस मर गया उसकी वही कब्र है आलम बरजख क्या अगर किसी इंसान की कब्र ही नहीं है फिर तो भाई वही उसकी वही आलम में बरजख ही कब्र है उसके बाद चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो उससे सवाल जवाब होंगे जरूर होंगे हर हाल में होंगे तो कहने का मकसद यही है कि उसकी रूह का ताल्लुक उसके जिस्म के साथ जरूर होता है और उसकी रूह जब कब्र में मुर्दे की रूह को रख मुर्दे की रूह को वापस कर दिया जाता है ना उसके जिस्म के अंदर चाहे अच्छा हो या बुरा हो तो उसके बाद फिर नेक बंदा करें तो उसकी रूह के कुछ मकाम आते हैं खाले सलाम ने फरमाया फ़मायान में उसकी रूह को रख दिया जाता है हमेशा के लिए क़यामत तक इली जिन में रहेगी या कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिन जिनको ये कहा जाता है कि ऐसे सोजा जैसे नई नवेली दुल्हन होती है नेक बंदों से जो सवालों के जवाब दे देते हैं कुछ रूहें ऐसी होती हैं खाली असलाम तो ने फरमाया जिनको परिंदों की पोटों में रखा जाता है वो जन्नत की सैर क्या करती हैं और जो गुनाहगार लोग होते हैं उनकी रूह को सि में कैद कर दिया जाता है और लेकिन उनकी रूह का ताल्लुक उनके जिस्म के साथ जरूर होता है क्योंकि जो अजाब होता है ना कब्र के अंदर तो ज़ाहिर सी बात है रूह नहीं होगी तो अजाब कैसे होगा तो रूह जीन में है लेकिन उस रूह का ताल्लुक उसकी बॉडी के साथ उसके जिस्म के साथ कब्र के अंदर जरूर होता है तो बहरहाल यह है कि इन चीज़ों पर हमारा ईमान इस वजह से किसलात अस्लम ने और कुरान ने हमको बताया है और अगर किसी को इन बातों पे यकीन नहीं है तो ज़्यादा परेशान होने की या दलील देने की ज़रूरत नहीं है उसको पता चल जाएगा जैसी करनी वैसी भरनी न माने तो करके देख जन्नत भी है दोजक भी है न माने तो मर के